दोस्तों अभी छत की सफाई की, ये बच्चे आए हुए थे तो पूरी छत की सफाई कर गए थे। ठीक है, ये देखें केज की भी सफाई की है, इधर से भी सफाई कर दी थी और केज की भी सफाई की हुई है। माशाल्लाह 5 अंडे हो गए हैं। देख बताएं 200 के मिनट में ये कितने अंडे देते होते हैं, सील मुर्गी कितने अंडे देती है। किसी ने 7 कहा था, किसी ने 8 कहा था, ऐसे था। लक्के भी तरतीब भाई बैठे हुए हैं, देखे दोस्तों 1, 2, 3 और ये कबूतरी इधर बैठी है, टंडों पे बैठे हैं, कुछ बाहर जाल पे बैठे हैं। ये बग्गू आ गया मेरे पास खाने के लिए, अभी इनको खाना नहीं डाला के सफाई कर रहा था, ऊपर ही खिलारा बोर्ड डाल रहे थे। ये तोते भी बैठे हैं, खुश बाज बैठे हैं माशाल्लाह। ये देखें पूरा दिन अब ना खुश रहने लगे हैं, गर्मी कम है इसी वजह से। 2 दिन हो गए बारिश पड़ रही थी, बारिश की वजह से ना ये अब फ्रेश मूड कर रहे हैं। अभी गर्मी आएगी तो फिर देखेंगे क्या करते हैं, जब पत्ती हुआ चलती है। जब निकालू भी आ गया, काफ़ी बड़ा हो गया माशाल्लाह, बारिश के पूरे आ रहे हैं जिसम पे। ये कबूतर कुछ बाहर फेरे थे, कुछ अंदर फेरे हैं, कुछ बाहर फेरे हैं। ये 3 कबूतर मैंने बाहर निकाले थे, तब ये बच्चों वाले हैं, ये बाहर से मिट्टी वगैरह ऐसी चीज़ें खाते हैं तो इसलिए इनको बाहर निकाल देता हूँ। वो अभी अंदर ही हैं, वो भी कबूतरी बच्चों वाली है, जो नीचे सारे हैं बच्चों वाले हैं। ये देखते हैं ये कुछ ऊपर ही बैठे हुए हैं दोस्तों, जाल के जाल भी अंदर से अच्छे तरीके से साफ कर दिए, पानी वगैरह इनका पास बदलने वाला रहता है। वो थोड़े ऐसे मैंने तिनके रहने दिए थे, मैं कहा चलो घोंसला बना लेंगे, इसलिए तिनके छोड़ दिए थे मैंने। इधर भी ऐसे किए, ये इधर जो घास वगैरह डालते थे ना उसको साफ कर दिए। ये देखें इधर इनका सब्ज़ा वगैरह डालते हैं तो सब्ज़े के बारे जगह भी साफ़ कर दिए। वो देखे दोस्तों कबूतर बैठा हुआ है वो टेंकी के ऊपर, वाइट जो टेंकी नज़र आ रही ना उधर, कालसरा कबूतर है उधर, पता नहीं आएगा कहीं, धुंधला है नहीं नज़र आ रहा, धुंधला है दोस्तों नज़र नहीं आ रहा। इधर भी ये सील खा रहे हैं दाने वगैरह, दाना पानी कर रहे हैं। ये देखें बाल्टी के अंदर दाने कम, फिर दाना लग के आते हैं इनके लिए। सब भागे फिर इनको थोड़ा थोड़ा दाना डाल ही देते हैं, खेती भी मिलते हैं। इधर से दाना निकालते हैं, इसीलिए रखा हुआ चिकन गैस के अंदर रखा था दोस्तों। आ जाओ, आ आ आ आ आ, पहले आपको इधर तरतीब करें। बग्गू आपको भी डालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, ऐसे इधर, और कुछ आपको इधर भी डाल देते हैं अंदर, आप लड़ना नहीं है झगड़ना नहीं है। इन्होंने देसी देते अंडा दिए कि नहीं, रात को तो मैं उठा के ले गया था एक, पर 3 मुर्गियाँ हैं तो अंडे नहीं दे रही, पकड़ क्या करते हैं। ये देखे ये कबूतर बार मिट्टी खा रहे हैं, वो बैठा हुआ है जो कबूतर है, एक बच्चों ने पकड़ा है, पता नहीं लेके आए बोरे से, हम लेके आए मंडी से, वो भी बहुत प्यारा कबूतर था। ये तरतीब नहीं सट गई तो मैंने बोला सीधे से रखना, चलो आ जाओ। अरे इधर से लड़ेंगे झगड़ा करेंगे,
का टाइम हो गया, कुछ गड़ा देते हैं। खा लो खा लो, कोई बात नहीं। अब तुम बाहर हो, बाहर ये देख, ये खराब है, झगड़ा कर रहे हैं आपस में। बिल्ली ना दे ऐसे लगाया, बच्चों ने मेरे सामने लगा दिए। चलो बग्गू खा लो, खा लो खा लो अच्छे तरीके से। ये देखे दोस्तों, ये सील जुड़ी है माशाल्लाह। वो देखे बग्गू के काम गिरा दिया उसने दाना सारा। आओ 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 आओ, चलो आज नीचे से लेके नहीं है ना कुछ इन्हों के लिए, इसलिए अभी तक ना पीछे पीछे। ये देखें अभी डरने लगा है, पहले मुझसे डरता नहीं था, अभी ये डरने लग गया। पता नहीं क्या मसला है, पहले चुटकी पे आ जाता था। मैं काफ़ी देर होगी इसके पास नहीं गया। मुर्गी किधर की बड़ी, वो भी इधर नहीं है। इधर देखते हैं दोस्तों, इधर ये नए वाला कबूतर इधर ही बैठा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये कबूतर नए आए पास। देखिए चलो बाहर बाहर, सब बाहर गए हैं, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, दाना खाओ। ये दो चार दिन में ट्रेंड हो जाएगा। बच्चों की देखते हैं, बच्चे माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं, देखे खड़े हुए हैं। और इधर वाला बच्चा भी काफ़ी बड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, काफ़ी बड़े हो गए माशाल्लाह। बग्गू अपने काम पे जा रही है, ये खाता ज़्यादा है पर चला बाद में जाता नहीं इसे। चला काम ही जाता है इसे। ये देखिए तोते बैठे हैं, ये सीधा आ गया इसे देखे डर के भाग के। इससे बहुत डरते हैं, जब सील मुर्गी आती है तो भाग जाते हैं, उसी टाइम नज़र ही नहीं आती। वो देसी वाली मुर्गियाँ भी ऐसी करती हैं, वो देखे आपस में झगड़ा करे। भाग गया था वो, इसी की भाग। वो देखे, वो देखे तू मार देना किसी वेले, एक लाती बजनी है। दाना पे मस्त है दोस्तों, दाना पानी कर रहे हैं। कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा है, अपने अपने दाना। ये इतने कबूतर मेरे पास परमानेंट जो है, ये देख लें। जो भाई वीडियो देख रहे हैं ना, अगर मेरी रोज़ वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें, अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें, तो वीडियो को आगे शेयर किया करें दोस्तों। आपके लिए रोज़ इसी छत से वीडियो आया करेगी इंशाल्लाह। ये देखें, अब मेरे पुराने कबूतर चेक कर लेना पहले जो है, वो नया भी पकड़ो, झूठ तो ना बोला जाए ये पकड़ा है मैंने, वो पकड़ा है, जो है यही है मेरे पास। और एक ये बाहर है कबूतर मेरा, और किधर है दो कबूतर मेरे ख्याल में। मैं जब दाना डाल रहा था ना वो अंदर ही चले गए,
हाँ, एक वो वाइट है जिसके पूछ पे माड़ा, वो एक ब्लैक पिंक है, और एक ये ब्लैक जिसकी पूछ वाइट है। और ये बग्गू कालू है मेरे घर में, और ये तीन मुर्गियां हैं मेरे घर में, ये तीन, ये देखें आ रहा है नया कबूतर है लाल सा, ये तीन है, और ये तोते वगैरह हैं। किधर गए? आओ नीचे बैठे हैं, दाना खा रहे हैं माशाल्लाह। और इधर वाले केज अभी खाली हैं, इन्हों में इंशाल्लाह ऐसा ऐसा लेके आएंगे जो भी मिलेगा, जो मुझे गर्मियों में पता है, अभी इधर गर्मियों में छत पे टाइम निकाल देगा, ताकि गुग्गी जो होती है खुमरे वगैरह वो निकाल लेते हैं, एक खुमरों का जोड़ा होता है, एक वो लेके आना है, कुछ और देखेंगे कोई गर्मी वाला जोड़ा और, ताकि तोते तो नहीं करते। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कबूतर है ये आज जिस बच्चे आए थे ना उनके था, उनसे पास से लिए थे, अब थोड़ा वाइट हो गया। बाहर निकाल दो बाद में उसे बंद नहीं होते, बहुत टाइम लगे। चलो दोस्तों आज का भी लोग इधर ही ख़त्म करते हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।